नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 13 फरवरी 2023 का है। एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें जो 3 क्रिमिनल अपील्स हैं उसको एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया है। और इसमें डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो कि अपीलेंट है वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हाई कोर्ट अगर वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करती हैं, 482 CRPC में अपनी पावर एक्सरसाइज करती हैं और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे करती हैं तो वो स्पेरिंगली यूज़ करनी चाहिए, और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देती हैं तो वो एक 438 CRPC की जो है पावर्स है जो कि बेल की है वो उसमें मीन्स 482 CRPC को वो 438 CRPC की तरह ही वो यूज़ कर रही होती हैं। तो इसमें काफ़ी रेयर केसेस में ही जो है प्रोसीडिंग्स को स्टे करना चाहिए, और जो नेशन स्टेज पे अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। यह देखिए, अपीलेंट्स जो हैं वो इंट्रीम ऑर्डर है। 3 अलग अलग अपीलेंट इंट्रीम ऑर्डर्स थे जो कि हाईकोर्ट अलाहाबाद के ने पास किए थे। एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी अलाहाबाद हाईकोर्ट में, और हाई कोर्ट ने FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी रिस्पोंडेंट्स अक्यूज्ड के अगेंस्ट उनको स्टे कर दिया था। और प्रोसीडिंग्स थी जो ECIR नंबर था जो कि रजिस्टर्ड किया था डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में, और फर्दर डायरेक्शन दी थी हाई कोर्ट ने कि कोई कोर्सेस स्टेप्स ना लिए जाएं रिस्पोंडेंट के जब तक ये रिट पिटीशन पेंडिंग है। तीनों अपील जो इंटरकनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसको कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया जाना चाहिए और तीनों अपील्स से। अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट एक हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड एक कंपनी थी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, वो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी एक्ट के तहत जो, और काफ़ी ये जो कंपनी है वो पब्लिक मनी से वो डील करती थी और फंड्स था लोन का वो एडवांस करती थी फॉर द लोन्स के लिए। जो फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है वो या तो बैंक से लेती थी और या फिर पब्लिक से लेती थी, और इन द फॉर्म ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के तौर पे वो पैसा बैंकों से या पब्लिक से लेती थी। और जो रिस्पोंडेंट है वो एक प्रेजिडेंट लीगल हैं और एक दूसरे जो रिस्पोंडेंट है अथोराइज ऑफिसर भी हैं, ऑफिसर हैं हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के। एक डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और जो एक कंपनी मतलब एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज की जो है वो एक ग्रुप एंटिटीज का ही पार्ट है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक सब लीज कर दी थी एक पार्सल ऑफ लैंड जो 73 acres की थी सेक्टर 128 नोएडा, वो एक जिनको अलॉट हुई थी एक प्रीडेसेसर थे यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिसे YEIDA कहा है, और इसके जो 100% इक्विटी शेयर्स थे वो एक वो जो बताया है कंपनी का नाम बताया एस्टेट लिमिटेड है कंपनी उसके पास थे इसके जो भी जो शेयर्स थे एक, और बाकी 2 अलग अलग लोगों के पास थे, एक एक पर्सन शेयर अलग अलग था। 2017 से 2020 में ये हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 16 लोन फैसिलिटीज 2,801 crore को एक जो ग्रुप है और बॉर्डर्स है जिनके होटल्स भी हैं इस्टेट भी है और लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड भी है कि वो कंस्ट्रक्शन करें और हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए, तो इतना लोन जो है उनको दे दिया सैंक्शन लोन पे एक, और 1,995 crore था वो डिस्पर्स कर दिया। सैंक्शन लोन था 2,801 और 1,995 crore का जो लोन था डिस्पर्स कर दिया, और फाइनेंशियल असिस्टेंस थी उसी ग्रुप द्वारा दी गई, और एक 22 प्लेज एग्रीमेंट थे वेरियस कंपनी के से जो प्लेज किए गए थे, और
सारे जो प्लेज एग्रीमेंट थे मींस वो इसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए। और प्लेज एग्रीमेंट जो है वो एक जो ग्रुप बताया वो भी किया था उन्होंने, और 100% इक्विटी शेयर्स थे, 100% इक्विटी शेयर्स थे वो प्लेज किए ताकि वो लोन ले सकें। और फिर इसके बाद मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज थी जिसमें 73 एकर्स ऑफ लैंड थी वो नोएडा की थी, वो भी सब लीज लेट कर दी बाय जो यमुना जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कर दी थी। फिर और एक प्रॉपर्टी जो बताया गया मॉल वो भी गाजियाबाद में, तो वो भी कर दिया था। फिर डिफॉल्ट हुआ उसका, तो फिर उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस ने नोटिस थे दिए कि लोन एडवांस किया है उस ग्रुप ने, जो लोन एडवांस किया था उस ग्रुप को, कि कहा कि 1763 करोड़ जो है वो पेंडिंग वो देना है। उस जो नोटिस को चैलेंज किया उस जो ग्रुप ने कि दिल्ली हाई कोर्ट में कि, और एक एफएओ थी कमर्शियल सूट नंबर था 59/2021, और हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया सो अपना रिकॉर्ड दिया 16 अप्रैल 2021 में, और ये रिकॉर्ड किया जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो चला सकती हैं, और लेकिन जो शेयर्स होंगे सेलिंग होगी शेयर्स की वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बेचे जाएंगे और एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे। और फिर साथ में आप बताया कि कई लिटिगेशंस भी हुए थे सरफेसी एक्ट में जो कि डीआरटी और हाई कोर्ट में चल रहे थे। और फिर बताया कि फाइनेंसिंग लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को जो शेयर्स थे वो जो जिसके लिए थे जो कंपनी के, वो एक और जो है डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड उसके पास प्लेज कर दिए, जो कि सब्सिडरी थी उसकी, एक दूसरी कंपनी है उसकी सब्सिडरी थी, 750 करोड़ में उसको जो है वो प्लेज कर दिए। अब जिस कंपनी थी जो डेवलपर्स थी उनके पास कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं था, अपना खुद सोर्स ऑफ फंड नहीं था, और जो फंड्स परचेज किए थे उस कंपनी के वो उसके वजह से ही कहा है कि लोन लिया जा सका, फाइनेंस मीन्स जो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी थी उसी के बेसिस पे लोन लिया जा सका। और सेम डे ही तो फिर बताया कि जो परचेज थे शेयर्स के वो जो IHF जो बताइए फाइनेंस लिमिटेड थी वो खुद ही फंड कर रही थी, खुद ही फंड कर रही थी, और जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी जो मॉल था गाजियाबाद में, और पास ऑफ लैंड थी जो कि 73 एकड़ थी नोएडा की, वो भी बेच दी फाइनेंस लिमिटेड ने ताकि उसका जो ड्यूस है ग्रुप का वो लिया जा सके। अब इसके बाद जो है लिटिगेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 9 अप्रैल 2023 में हुई थी, और एक FIR थी, डायरेक्टर थे जो ग्रुप ऑफ होटल्स थे उन्होंने फाइल की थी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, कि ऑफेंसेस हुए हैं 420, 467, 471, 120, 504, 506 पुलिस स्टेशन इंद्रपुरम में, और कहा कि ये जो फाइनेंस लिमिटेड है उन्होंने मतलब इलीगली दिखाया है कि जो ग्रुप है वो डिफॉल्टर है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज को मिसअप्रोप्रिएट कर सके इलीगल मींस। फिर इसके बाद 9 अप्रैल 2023 को एक FIR नंबर 1600/2023 को फाइल की एक जो डायरेक्टर हैं जो होटल्स के जिनमें फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी थी उनके ऊपर फाइल की, अंडर द ऑफेंसेस थे 420, 467, 468, 471 और 120 बी, जो कि चीटिंग और फॉर्जरी से रिलेटेड है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, और बाकी 323 और 504, 506 की धाराएं के अंदर भी जो पुलिस स्टेशन इंद्रपुरम है वहां फाइल की। और यहां पर वो एलिगेशन लगाई कि जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उन्होंने इलीगली दिखाया है कि जो ग्रुप ऑफ जो डिफॉल्टर्स की जो ग्रुप है उसमें डिफॉल्टर्स की श्रेणी में डाला है, ताकि वो प्रॉपर्टीज को मिसअप्रोप्रिएट कर सके जो कि ग्रुप द्वारा ओन्ड की गई है और गैर कानूनी तरीके से। FIR में ये भी बताया गया कि जो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की है एक दूसरी कंपनी के साथ और फॉर्ज किया फैब्रिकेट किया डॉक्यूमेंट्स, और 73 एकड़ जो लैंड थी जो वो दे दी गई है उस जो दूसरी कंपनी को,
और जो कि 300 करोड़ की के सम पे बेच दी गई है, और जबकि मार्केट वैल्यू उसकी जो प्राइस है वो 4000 करोड़ है। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने डिवैल्यूड की अंडर वैल्यूड किए हैं शेयर्स को और सिक्योरिटीज से, क्योंकि वो फॉल्स और फॉल्स डॉक्यूमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट कंपनी है उसको काफी लॉस हुआ है और उनके डायरेक्टर्स को भी काफी लॉस हुआ है। और फिर इसके बाद 15/4/2023 को एक और FIR थी 2023 की, इंसोलेंसो नंबर 2023 की, वो फाइल की जो यमुना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल अथॉरिटी है उन्होंने जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट में फाइल की, और बाकी जो तीन कंपनीज थी और उनको उनके अगेंस्ट भी फाइल की 420, 467, 468, 471 और 120 भी। और फिर ये क्या ये बताया कि जो पुलिस स्टेशन थी वो ग्रेटर नोएडा में डाली, और ये कहा कि जो फर्स्ट चार्ज था कि वो जो अथॉरिटी के पास होना चाहिए जो कि प्रिजर्व्ड है, और बिन और जो परमिशन जो थी वो 1 जनवरी 2018 को दी थी, और जो भी शेयर्स जो प्लेज किए थे शेयर्स वो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ जो शेयर्स थे वो प्लेज किए गए थे, लेकिन ना ही जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने ना तो बताया ना ही परमिशन ली जो जो अथॉरिटी से, और ट्रांसफर कर दिए शेयर्स मीन्स जो शेयर्स थे उस एक कंपनी के वो दूसरी कंपनी के पास कर दिए, और टर्म्स एंड जो कंडीशंस थी वो परमिशन लेटर में मेंशन थी, और इंडेम्निटी सर्टिफिकेट सब लीज डॉक्यूमेंट भी वॉलेट किए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और सब लीज कर दी, जो कि जिसकी वजह से जो जो अथॉरिटी है उनको काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो उसकी 200 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है। और 22 जुलाई 2023 को एक और FIR थी, वो फाइल की एक इंडिविजुअल ने जो कि अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव थे उस ग्रुप के, और एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे एक मींस अथॉराइज्ड ऑफिसर थे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उनके अगेंस्ट में फाइल की अंडर ऑफेंस 420 मींस चीटिंग 120 बी और 82 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, और जो पुलिस स्टेशन कवी नगर गाजियाबाद में फाइल की। और यहाँ पर बताया कि जो जो माल है जो कि जो एक नम एक जगह बताई है, माल है किसी स्पेसिफिक माल है जो एक प्रॉपर्टीज का पार्ट है, वो मॉर्टगेज हो रखी थी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में और उसे बेच दिया गया ताकि रिकवरी प्रोसीडिंग्स पे ताकि ऑफ और जो 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 इसकी जो बिक्री हुई थी वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स में थी, और जो 551 करोड़ का था 551 करोड़ में बेची गई, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो 2000 करोड़ थी। तो यह यहाँ पर भी इसके ऊपर भी एक FIR थी, तीन FIR यहाँ पर बता दी गई हैं, रजिस्टर की हैं, और कहा कि जो इलीगलिटीज हुई हैं वो अक्यूज द्वारा की गई है, और जिसमें एक्चुअल वैल्यू जो थी जो स्पेसिफिक मॉल है उसकी बताई नहीं गई थी, जिसकी वजह से एक ह्यूज लॉस हुआ है उस स्पेसिफिक ग्रुप को। अब यहाँ पर बताया कि जो FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी थी उसके पर हुई थी, तो वो चैलेंज किया गया था, एक रिट पिटीशन नंबर थी 166/2020, इसी का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो रिट पिटीशन थी वो फाइल की गई थी, और ये एक केस टाइटल था जिसमें अगेंस्ट में वो फाइल की गई थी, मींस पिटीशनर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स, ये एक रिट पिटीशन थी। अब जब रिट पिटीशन जब पेंडिंग थी तब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ED जिसे कहते हैं, और जो FIR थी जो तीन FIR रजिस्टर्ड हुई थी मींस जो FIR बताया कि दो अलग FIR नंबर बता रखे हैं 2023 के, तो वो एक उन्होंने एक ECIR नंबर बनाया, तो वो दिल्ली में मींस जो दिल्ली में एक रजिस्टर की, और ये 9 जून 2023 में ही, ताकि वो उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट किया ऑफेंसेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर PMLA जो एक्ट है उसमें उन्होंने ये एक FIR थी वो FIR के बेसिस अलग से एक केस था वो रजिस्टर किया, अब अलग से कंप्लेंट रजिस्टर की। फिर उसके बाद अपीलेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के मुताबिक कि जो कोर्ट ने बिना किसी अपीलेंट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपीलेंट को, और इसके बाद जो है एक ऑर्डर पास कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2023 को, ऑडिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, और जो एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी कनेक्टेड थी उसको भी डिस्पोज कर दिया। अब उस रिट पिटीशन में जो ऑर्डर था उसके कंटेंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और ये बताया कि तो फिर इन सर्कमस्टांसिस पे ये एडजुडिकेशन फैक्ट्स पे थी, तो कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्शन दी थी कि पिटीशनर को परमिशन दे दी कि वो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं और सारे और जो चैलेंज कर सकते हैं जो FIR रजिस्टर्ड हुई है, और ECIR का जो केस है 2 हफ्ते का समय दिया ताकि वो रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट भी की रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के सामने वो कर सकते हैं कि
वो कंसिडर करें और उनकी जो पटिशन है एक्सपीडिशियसली डिसाइड करें इन नॉट लेटर देन 6 मंथ्स फॉर द प्रेजेंटेशन. तो ये एक डायरेक्शन पटिशनर्स को दी और साथ में रिक्वेस्ट भी किया रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स को कि वो उनकी जो पटिशन है 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो डिसाइड करें जब वो अपनी जो पटिशन है वो प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में. तो साथ में एक और डायरेक्शन दी थी कि डीजीपी जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हैं कि वो भी मैटर को देखें और एग्जामिन करें पटिशनर की कंटेंशन को जो कंटेंट्स थे एफआईआर के और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं कानूनन जो बनते हैं वो विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ वो लें. तो ये डायरेक्शंस थी वो दी गई थी. तो उसके बाद फिर बताया कि जो रिस्पॉन्डेंट है और उसके बाद रिस्पॉन्डेंट इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेंट और एक जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है उन्होंने अपनी रिट पटिशन हाई कोर्ट में फाइल की जो कि क्रिमिनल रिट पटिशन मिसलेनियस रिट पटिशन नंबर 1 था. उसमें एक डायरेक्शन की मांग की कि रिट ऑर्डर या डायरेक्शन दी जाए जिसपे 420 है वो उसको आर्बिट्रेरी डिक्लेयर किया जाए और अल्ट्रा वायलेंस ये भारत के संविधान के अगेंस्ट है और फिर एफआईआर को क्वैश किया जाए और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी उनके अगेंस्ट में 15 अप्रैल 2023 में और जितनी भी कॉन्सिक्वेंशनल प्रोसीडिंग्स हुई है उसके बाद जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है जिनका जो केस नंबर 1 था उन सबको क्वैश कर दिया जाए. और फिर दूसरे बात बताया कि जो दूसरे रिस्पॉन्डेंट थे और उन्होंने एक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड थे उन्होंने एक और रिट पिटीशन भी फाइल की उसका क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर अलग था और उसमें भी एफआईआर नंबर थी उसको क्वैश करने की जो है प्रेयर मांगी और सारी कॉन्सिक्वेंशनल जो एक्शंस लिए गए हैं अथॉरिटी द्वारा एजेंसी द्वारा जो एफआईआर फाइल करने के बाद हुए वो सबका मांगी. और तीसरे रिस्पॉन्डेंट जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उन्होंने भी और दो एक और जो प्राइवेट लिमिटेड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने भी एक सेपरेट रिट पिटीशन फाइल की उनका रिट पिटीशन का नंबर अलग था और सेम रिलीज सिमिलर रिलीज मांगी जो एक पहली जो रिट पिटीशन के अंदर थी जो पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने जो फाइल की थी. हाई कोर्ट ने अब यहां पर क्या किया एक इम्पिंच ऑर्डर दिया 13 जुलाई 2023 को जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने फाइल की उस पर एक रिट पिटीशन का जो ऑर्डर आया था और फिर इसमें यह बताया कि जो रिस्पॉन्डेंट फोर जो दोबारा ली गई है उनमें अब जो यहाँ पर इस कोर्ट में जो रिस्पॉन्डेंट हैं वो वहाँ पे हाई कोर्ट में पिटिशनर थे. तो उन्होंने कहा कि जो भी रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 जो मीन्स एजेंसीज हैं उन्होंने रजिस्टर किया उन सारी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दी जाए और जो सिर्फ पिटिशनर्स तक को ही रिलीफ मिली जाए और उनके अगेंस्ट में कोई कोर्सिव एक्शन है वो ना लिया जाए. हाई कोर्ट ने अपना एक डायरेक्शन थी वो पास की थी. और फिर इसके बाद एक और इम्पिंच्ड ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने 8 अगस्त 2023 को जो क्रिमिनल रिट पिटीशन दूसरी जो रिट पिटीशन थी और फिर तीसरी जो रिट पिटीशन थी उसमें वो जो ऑर्डर आया 13 सितंबर 2023 को और फिर इसके बाद एक और ऑर्डर आया 13 जुलाई को जो पहले ऑर्डर आया था उसके बाद 8 अगस्त को आया फिर 13 सितंबर को आया और बताया कि जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी एफआईआर की वो स्टे कर दी जाए और रिस्पॉन्डेंट को जो पेंडिंग है रिस्पॉन्डेंट द्वारा जो फाइल की गई है उनको स्टे कर दिया जाए और फिर साथ में बताया कि उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए कि उनको कोई जो पिटिशनर को कोई के अगेंस्ट में कोई कोर्सिव स्टेप्स हैं वो नहीं लिए जाए. तो अब यहाँ पर आया कि अब ये एक और अपील जो फाइल की गई थी वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई थी. इस अपील में जो इम्पिंच्ड ऑर्डर थे जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि कोई कोर्सिव एक्शन ना लिए जाए और प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए तो उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में. अब जो अपीलेंट जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि 3 अपील्स फाइल की हैं और उसमें बताया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था जो एक केस जो था 4 जुलाई 2023 को उसमें स्टे कर दी थी प्रोसीडिंग्स को ESCIR और FIR रजिस्टर्ड हुए थे. तो उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स का पक्ष सुना नहीं गया था इसलिए उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी जो कि अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. और फिर बताया कि फिर ये दूसरा ग्राउंड ये उठाया कि हाई कोर्ट ने बिना कोई कॉजनल रीजंस बताए अपने ऑर्डर में कोई कॉजनल रीजंस नहीं लिखे थे इम्पिंच्ड ऑर्डर में उसके बाद स्टे कर दी प्रोसीडिंग्स को और ECI और FIR को स्टे कर दिया कि इस अंडर द गाइज ऑफ द सेट फॉलोइंग ऑर्डर जो कि 4 जुलाई 2023 को आया था और जिसमें अब यहाँ पर बताया कि ये 3 जजेस बेंच का जो जजमेंट है उस पर ये जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने रिलाई किया वो जजमेंट थी नी हारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स. तो कहा कि
उसमें सबमिशन ये दी कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिशिएट किया है, मीन्स रुका है कि इस तरह की प्रैक्टिस को, कि जिसमें एंट्री मॉडल्स जो है वो स्टे कर दी जाती है इन्वेस्टिगेशन को, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहा जाता है कि कोई कोर्स स्टेप्स ना लिए जाए अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो इस प्रैक्टिस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यहाँ पर वो डेप्रिशिएट किया है, और मैंने उनको कहा है कि इनको डिस्करेज किया कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। और इम्प्यूनिटी ऑर्डर जो पास किए गए थे हाईकोर्ट द्वारा, जो अब यहाँ पर बताया कि एक लीगल सेटल पोजीशन है उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रेरी है, और इसके लिए उसको हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर देना चाहिए। और अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट के काउंसिल्स थे, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सरफेसी एक्ट के अंदर जो ली जा चुकी हैं वो हाईकोर्ट के समक्ष भी गई हैं, और इसलिए जो रिस्पॉन्डेंट कंप्लेनेंट जो ग्रुप है उन्होंने इन प्रोसीडिंग्स में प्रॉपर पार्टी मीन्स वो सारी प्रोसीडिंग में फेल हो चुकी हैं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की हैं उन्होंने ताकि मीन्स ताकि उनको ऊपर कुछ एडवांटेज ले सके, और मीन्स क्योंकि ताकि एक डर सॉरी एडवांटेज ना ले सके बल्कि ये कहा कि एक डर क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और ऑफिसर्स को डराने के लिए किया गया है। और फिर ये फर्दर सबमिशंस दिया कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था एक जो पहले जो केस रिट पिटीशन में था वो उसमें जो है राइटली प्रोटेक्ट किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और इसलिए जो जो डिस्चार्ज किए थे रिकवरी ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द बोरोअर्स, और रिलायंस भी यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट के काउंसिल ने दूसरी जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया, और कहा कि जब प्रोसीडिंग्स सरफेसी एक्ट के अंदर इनिशिएट की जा चुकी हैं बोरोअर्स के अगेंस्ट में, तो इस तरह की स्टैट्यूटरी रेमेडीज जो अवेलेबल हैं बोरोअर्स के पास उस सब प्रोसीडिंग्स में उन्होंने कोई अपने रीजनेबल कोई स्टेप्स नहीं लिए, इसलिए उनकी कोई बोरोअर्स जो है वो परमिशन नहीं है उनको कि वो प्रोसिक्यूट करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जस्ट इसलिए इसकी किया कि उनको डराने के लिए इसलिए किया है टू इंस्टिल अ फियर इन देयर माइंड, अदरवाइज दे वुड हैव पोटेंशियल टू अफेक्ट द मैरोज ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये कहा कि रिस्पॉन्डेंट की कंटेंशन थी कि सरफेसी एक्ट के अंदर ही जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा चुकी थी, तो अब वहां पर उन्होंने कोई अपने रीजनेबल जो है प्रोसीडिंग्स में स्टेप्स नहीं लिए, अब यहाँ क्रिमिनल केस लगाने के लिए ये था कि ताकि उसको जो है वो एक तरह का डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर की गई है, इसलिए जो स्टेप लिया गया वो एकदम ठीक है। तो ये उन्होंने अपना एक लीगल जो था वो ग्राउंड सरफेसी एक्ट की तरफ जो है वो रिस्पॉन्डेंट ने बताया कि वो जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो सरफेसी एक्ट के अंदर ही अवेलेबल है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने का मतलब एक तरह का वो हो जाता है कि एक फेयर फैक्टर फेयर करने के लिए डर करने क्रिएट करने के लिए किया गया। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्यूनिटी ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, और एक पहले जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें एक स्टे की प्रोसीडिंग्स थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी थी। अब यहाँ पर कहा कि एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया था इसमें कि जो इम्प्यूनिटी ऑर्डर जो पास किए गए हैं वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोटेक्शन दी थी उसी के फर्दरेंस पे दिया गया है, और इसलिए जो है कि हाई कोर्ट को रिट पिटीशन को अपने मेरिट्स पे डिसाइड करना चाहिए था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमारे ओपिनियन में एक लीगल पोजीशन जो है सेटल्ड हो चुका है, कई जो कैटिना ऑफ डिसीजंस आ चुके हैं, हाई कोर्ट ने इम्प्यूनिटी ऑर्डर जो है वो पास किया जिसमें इन्वेस्टिगेशंस को स्टे कर दिया गया, एफआईआर और ईसीआईआर का जो क्वेश्चन था तो इसलिए काफी डिसरिगार्ड किया गया एक सेटल लीगल पोजीशन को। अब जो पावर्स हैं हाई कोर्ट के अंदर 482 सीआरपीसी के अंदर जो वो प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर सकती हैं अगर एलिगेशंस जो हैं एफआईआर में और जो कंप्लेंट में कोई भी ऑफेंस जो है वो प्राइम फेशिया नहीं बनता अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मैनिफेस्टली मैलिफाइड मैनर में की गई हो, तो तब कहा कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो है बिना किसी ऐसे ग्राउंड के वो उनको इन्वेस्टिगेशन को स्टे नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को रोकना नहीं चाहिए जबकि वो कॉजनल ऑफेंसेस पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जब स्पेशली जब इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक एट वेरी नेसेंट स्टेज में शुरुआत की स्टेज पे ही है तो सीधा पर स्टे नहीं लगाना चाहिए। तो अपने आप बताया कि कोर्ट ने कहा कि इसमें रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है कि इनहेरेंट पावर जो है 482 सीआरपीसी के अंदर उसके बाद कोई हाई कोर्ट के पास कोई आर्बिट्रेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकती कि वो अपने हिसाब से एक्ट करें
अपनी मर्जी से और या फिर कैपराइज जो है अपने मन माने तरीके से करें। तो जो स्ट्रेचरी पावर जो है वो स्पेरिंगली बहुत स्लो मीन्स बहुत रेयर केस में यूज करनी चाहिए, बहुत ध्यान से करनी चाहिए, रेयरस्ट ऑफ रेयर में केस में करनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि पासिंग सच ऑर्डर्स जब स्टे कर देना इन्वेस्टिगेशन को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को रोकना कि कोर्सेज एक्शन ना लिए जाएं अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है जिससे गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके और अक्यूज्ड जो कि जबकि अक्यूज्ड जो ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया होता, तो इसने कोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि 482 सीआरपीसी का पर्पस वैसे ही सॉल्व हो जाता है अगर कोई अगर कोर्ट जो है वो ब्लैंकेट जो है ब्लैंकेट ऑर्डर दे देती है और अरेस्ट पे रोक लगा देती है, तो जब अक्यूज्ड जो है उसको अक्यूज्ड को तो एंटिसिपेटरी बेल में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जबकि एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो 438 सीआरपीसी का है। तो यहाँ पर दो प्रोविजन आ जाते हैं, 482 सीआरपीसी और 438 सीआरपीसी का। तो यहाँ पर एक आया कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो मीन्स इस तरह की प्रैक्टिस को नहीं करना चाहिए, स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। अब एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस हबीब अब्दुल्ला जिलानी एंड अदर्स, और इसमें बताया था कि जो कॉन्टोर्स हैं 482 के और 438 सीआरपीसी के वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो डायरेक्शन जो है अक्यूज्ड को अरेस्ट न करना और कोई कोर्सेस टाइप अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं लेना 482 सीआरपीसी के अंदर, तो इस तरह का जो ऑर्डर बन जाता है वो 438 सीआरपीसी का बन जाता है और जिसमें कोई इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया जाता, जो क्योंकि 438 में कंडीशंस बता रखी हैं, तो 482 के अंदर अगर आप उसको लगा रहे हैं स्टे लगा रहे हैं तो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, जो कि कोर्ट ने कहा ऐसे में लीगली अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि 438 में जब भी कोई बेल दी जाती है एंटिसिपेटरी बेल की तो ये कंडीशन दी जाती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो मीन्स कॉपरेट करेंगे, कंट्री को छोड़ के नहीं जाएंगे या फिर कोई ग्राउंड्स होते हैं। तो अब कोर्ट ने कहा कि 482 सीआरपीसी में दे देते हैं और इससे अगर आप अरेस्ट पे स्टे लगा देते हैं तो वो पर्पस है 438 का वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस भी होती हैं, वो ऐसे में जो अक्यूज है वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने कहा ऐसे में हाई कोर्ट की जो पावर होगी वो लीगली अनएक्सेप्टेबल होगी। तो ये बात इन्होंने पैरा नंबर 21 में बताई। और थ्री बेंच की जजमेंट आई थी निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें बताया था कोर्ट ने डेप्रिशिएट किया था इस तरह की प्रैक्टिस को हाई कोर्ट की, जो इन्वेस्टिगेशन को मींस स्टे करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि कोई कोर्सेस स्टेप्स ना लिए जाएं 482 सीआरपीसी में, और उसमें जो है उस जजमेंट में गाइडलाइंस थी वो इशू की थी और कोर्ट ने उस सब गाइडलाइंस को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है, और उसमें यही बताया था कि हाई कोर्ट जो क्या जस्टिफाइड है कि कोई कोर्सेस स्टेप नहीं लेने के लिए और जब तक कि कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं जा तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और टिल जब तक वो जब तक फाइनल रिपोर्ट जो है सीआरपीसी की नहीं दी जाती है, और पुलिस के पास स्टैचुरी राइट होता है, ड्यूटी होती है प्रोविजंस के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो कि चैप्टर 14 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अवेलेबल है, और कोर्ट को ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को रोकना नहीं चाहिए जो भी कॉजिनेबल ऑफेंसेस से में जब की जाती है इन्वेस्टिगेशन, और इन ऐसे केसेस में जब कोई कॉजिनेबल ऑफेंस नहीं हुआ हो और फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट में ना बोला तो कोर्ट जो है परमिट नहीं करती है, ऐसे में कोर्ट को परमिट नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन को किया जाए। और जो पावर है क्वेश्चन की वो स्पेरिंगली यूज करनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए और रेस्ट ऑफ रेयर केस में करना चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो एक डेथ पेनल्टी में रेस्ट होता है तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये निहारिका की जो जजमेंट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ सारी जजमेंट का उन्होंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, उस जजमेंट में जो गाइडलाइंस थी मीन्स जो बताए थे। अब यहाँ पर फाइनली इस वर्जन पे है कि वो सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पर अप्लाई किए, और जो इम्प्लीस्ड ऑर्डर जो थे हाई कोर्ट का वो कोर्ट ने कहा कि वो अटर डिसरिगार्ड था और एक जो गाइडलाइंस जो इशू की थी थ्री बेंच जजमेंट की उसको कंसिडर नहीं किया था कोर्ट द्वारा मीन्स हाई कोर्ट ने। तो ये कहा कि लर्नड काउंसिल जो रिस्पॉन्डेंट ने कहा कि अक्यूज ने कहा कि एलिगेशन जो FIR की है वो एक सिविल नेचर में है और एक उनको एक क्रिमिनल नेचर का जो है रंग दिया गया है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये रिकॉर्ड से देखना पड़े जो रिकॉर्ड जो बताता है वो ये उन्हीं मीन्स ये रिस्पॉन्डेंट की कंटेंशन ये थी कि रिकॉर्ड ये बताता है कि नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स जो थे वो थे पार्टीज के बीच में थे और एक्शन जो है वो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लिया था
कंप्लेंट के अगेंस्ट में कि ड्यूज को रिकवर करने के लिए, और सरफेसी एक्ट के अंदर भी उन्होंने एक्शन लिया था और बोरोवर्स के अगेंस्ट भी लिया था, जो कंपनी जो ग्रुप था, और उसके में जो प्रोसीडिंग्स में मींस जो फेल हो गए थे वो जो बोरोवर्स थे वो फेल हो गए थे, मींस बोरोवर्स नहीं, और जो सरफेसी एक्ट के अंदर जो ड्यूज जो है वो चुका नहीं पाए थे, तो ये प्रोसीडिंग्स में फेल हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने बदले की भावना से जो है कंप्लेंट है वो फाइल की है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा, हम ऐसे में हम माननीय कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि हम एग्जामिन नहीं कर सकते ये सबमिशंस को, जो रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर सबमिशंस दे रहे हैं इस स्टेज में हम उस सबमिशंस को एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी कंसर्न रिस्पॉन्डेंट ने, रिस्पॉन्डेंट अक्यूज ने, उन्होंने FIR को क्वैश करने के लिए जो है प्रेरणा मांगी थी, और जो ग्राउंड थे पेंडिंग में क्वेश्चन के वो पेंडिंग है फॉर कंसिडरेशन बिफोर द हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट के पास ही वो सारे ग्राउंड है वो पेंडिंग है, तो यहाँ ये हाई कोर्ट का ही जो काम है ये कि वो एग्जामिन करे जो पिटीशन की जो मेरिट्स हैं और उसको कानूनन अकॉर्डिंग विद द लॉ डिसाइड करे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा अभी हमारी ये स्टेज नहीं है कि हम इस पर कुछ एग्जामिन करें, क्योंकि ऑलरेडी जो ग्राउंड्स रेज किए गए हैं वो हाई कोर्ट के समक्ष हैं, वो पेंडिंग है। अब यहाँ पर कहा कि बिना किसी एलैबोरेट किए एक जुडिशियल कमेटी एंड जुडिशियल डिसिप्लिन डिमांड्स करते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो लॉ को फॉलो करे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिट पावर्स जो है उसके पास होने के पास ये नहीं कि उनके पास एक आर्बिट्रेरी जुरिस्डिक्शन हो जाता है कोर्ट के पास कि वो अपनी विम्स और कैप्राइज के अकॉर्डिंगली काम करे। तो इम्पिंचर ऑर्डर जो थे हाई कोर्ट का वो लीगल पोजीशन के साथ सेटल नहीं है, और इसलिए हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उसको सेट असाइड किया जाता है, और इम्पिंचर ऑर्डर जो पास किए गए थे हाई कोर्ट द्वारा जिसमें रिस्पॉन्डेंट अक्यूज के अगेंस्ट में कहा था स्टे कर दी थी, तो उसको वकेट किया जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इसे क्लेरिफाई कर देते हैं कि हम कोई मेरिट्स पे जो रिट पिटीशन में जो थी उसके कोई मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, जो कि अभी हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। ये हाई कोर्ट जो कंसर्न रिस्पॉन्डेंट है, जो रिस्पॉन्डेंट अक्यूज है, उनके पास पूरे ऑप्शन ओपन है कि वो सारे अपने लीगल कंटेंशन है, लीगल रिकॉर्ड्स है, वो जो लीगल रेमेडीज है वो अवेलेबल है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो अपने हाईकोर्ट के समक्ष रख सकते हैं, और इसलिए जो अपील्स थी उसको अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। ये अपील जो थी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उनकी अपील को अलाउ कर दिया, इसलिए ये जजमेंट आई थी फरवरी 13, 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।